स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एमलिम क्रिप्टो कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ओसमोस टेक्नोलॉजी में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे दोस्तों अपना KYC कर सकते हैं, कैसे प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, आप अपने डायरेक्ट को कैसे देख सकते हैं, अपने लॉगिन आपकी जो रेफरल लिंक है उन्हें कैसे रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी दोस्तों अच्छे से देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल्स पूरी जानकारी आपको समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी वेबसाइट osmostech.com को ओपन करना है। जब आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। इसके बाद आप अपनी आईडी को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर एक देख सकते हैं ह्यूमन आइकन बनी हुई है ये छोटी सी दोस्तों, इसमें आपको क्लिक करनी है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करनी है। लॉगिन जब आप कर लेंगे तो फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका शो होगा, यहाँ पर आपका नाम शो होगा। अब दोस्तों फिर से आपको इस ह्यूमन आइकॉन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके रियल दोस्तों जो इसके लुक होती है वहाँ पर दोस्तों आप आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी आईडी वगैरह सारा चेक कर सकते हैं, आपका आईडी एक्टिवेशन कब हुआ ये सारा कुछ आपको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आईडी बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है दोस्तों आपको एक्टिवेशन करना, क्योंकि दोस्तों याद रहे जब आप अपनी आईडी बनाते हैं तो 5 दिन के अंदर में आपको अपनी आईडी को एक्टिवेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्टिवेशन नहीं करेंगे तो कंपनी की तरफ से आपकी आईडी को डिलीट कर दिया जाएगा अगर 5 दिन के अंदर में आप अपनी आईडी को एक्टिवेशन नहीं करते हैं। तो आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके इसकी वीडियो को देख के आप जान सकते हैं। तो आज इसके बाद दोस्तों आपके जो पहला ऑप्शन होता है, मतलब जब आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है तो आपको दोस्तों फर्स्ट काम होता है वो जो था अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना, अपनी KYC को अपडेट करना। तो KYC अपडेट करने के लिए आप इसके होम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये दोस्तों होम की ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे। तो होम के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रही है वो दिख रही है यहाँ पर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल की यहाँ पर जो प्लस आइकन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। तो किसी भी बंदे का अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इसमें क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। साथ में दोस्तों आपको नॉमिनी का ऑप्शन आएगा, तो नॉमिनी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, एक प्रोफाइल को अपडेट करते समय सभी ऑप्शन को अच्छे से फिल करें, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन है, अपडेट का जो ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करें, क्योंकि एक बार आप सबमिट या अपडेट को ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और आपका प्रोफाइल अगर अधूरा रह जाता है तो वो प्रोफाइल दोस्तों फिर से आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे, काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको फिर आईडी को रीसेट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए इन समस्याओं से बचने के लिए आपको सिंपल पहले अच्छे से आपको चेक करना है, उसके बाद वन बाय वन करके जितने भी दोस्तों ऑप्शन हैं इन सबको भरना है, अच्छे से फिल करनी है, उसके बाद दोस्तों अपडेट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड अपनी चेंज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। अपलोड KYC दी हुई है, अपलोड KYC पर आप क्लिक करेंगे तो एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड आपको डालना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एड्रेस प्रूफ में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ डालने की आ जाती है। एड्रेस आपको डालना है, पिन कोड डालनी है, स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, सिटी डालनी है। तो ये सब दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर वन बाय वन करके आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, सभी जितने ऑप्शन हैं अच्छे से आपको फिल करने हैं, उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो अच्छे से आपको वहाँ पर एडिट कर दे, उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करें। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं बैक एड्रेस प्रूफ अपलोड, मतलब आधार कार्ड का आपको बैक डालना है, यहाँ पर आपको फ्रंट वाली डालनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपने कौन सा यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डाला है, वोटर कार्ड डाला है, आधार कार्ड डाला है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद जो भी आपने वोटर कार्ड या आधार कार्ड सिलेक्ट किया उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करना है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद बैंक डिटेल्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स में आप बैंक डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बैंक डिटेल्स में जो आपको डालना है वो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अपना पासबुक डालनी है। पासबुक का जो दोस्तों फर्स्ट पेज होती है वो आपको डाल देना है, फ्रंट पेज जो होती है जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम होता है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट नंबर, ये सब दोस्तों डाल के आपको सबमिट करनी है। इसके बाद पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पैन कार्ड की फर्स्ट एक फोटो यहाँ पर आपको डाल देनी है और दोस्तों पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है।
बाकी के जो ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लिक में दे दिया हूं, और साथ में दोस्तों आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। तो सिंपल दोस्तों उस वीडियो पे क्लिक करके आप उसकी सारी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों एक और दी है कंप्लेन, तो कंप्लेन भी दोस्तों आप यहां पर कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा है, अगर आपका KYC कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो कंप्लेंट में आप रिसेट KYC बोलकर कंप्लेंट कर सकते हैं। सिंपल आपको कंप्लेंट में जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको नॉर्मल कंप्लेंट सेलेक्ट की हुई है। अगर आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो रही है पे आउट रिलेटेड, रिवॉर्ड रिलेटेड, तो दोस्तों वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर नॉर्मल कंप्लेंट है तो नॉर्मल कंप्लेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन में आप बोल सकते हैं कि अगर आपका KYC कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर किसी भी तरह का इशू है, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देखिए सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों प्रोफाइल, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको माई डायरेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो जितने भी दोस्तों आपने डायरेक्ट किए हैं और जिनके टोटल ट्री दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको सिंपल माई डायरेक्ट्स में आपको क्लिक करना है। जैसे माई डायरेक्ट्स में आप क्लिक करते हैं, जितने भी लोगों को दोस्तों आपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया होगा वो सारा दोस्तों आपको यहाँ इसके नीचे वन बाय वन करके शो होगी। साथ में जितने भी डायरेक्ट है उन डायरेक्ट का अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए, होता क्या दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं लेकिन अपने अकाउंट को एक्टिवेशन नहीं करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप उसके फ़ोन नंबर को यहाँ से आप देख सकते हैं। सिंपल आपके जितने भी डायरेक्ट होंगे उस डायरेक्ट का यहाँ पर जो वुमन आइकन बनी हुई है उस वुमन आइकन पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से उसका नाम वगैरह, उसकी नाम, उसका मोबाइल नंबर सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से उसके मोबाइल नंबर को निकाल के आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको एक्टिवेशन के लिए बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रेफरल लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी फ्रेंड रिलेटिव है उनको यहाँ पर ये शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आप यहाँ पर देखते होंगे, शो वॉलेट समरी एंड टीम डिटेल्स, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। जो भी आपकी इनकम आ रही है वो आपको शो होगी। आप देख सकते हैं मेरे दो दिन के 20-20 करके 40 रुपये यहाँ पर हो गए, तो इस 40 रुपीज़ में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी और भी डिटेल्स शो होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपीज़ हमारी जो दो डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है कि 20 रुपये करके दो दिन हमारे पास आए हैं। इसके साथ साथ जो भी आपका नेटवर्किंग इनकम बनता है वो भी दोस्तों यहाँ पर शो होगा, तो वन बाय वन करके इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर शो होता है, तो यहाँ पर भी जो थोड़ा सा अपडेट रहे यहाँ पर चेक करें, अगर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर कंपनी दे देती है। शो डायरेक्ट डिटेल्स में भी आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपने डायरेक्ट किए हैं वो दोस्तों यहां पर शो होगा। दोस्तों वेबसाइट की पूरी डिटेल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके भी इसकी पूरी डिटेल्स, जितने भी दोस्तों ऑप्शन है सभी की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर अपनी पिन जनरेट कर सकते हैं, शॉपिंग वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है। दोस्तों इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, जो कि हो सकता है बोरिंग हो जाए, तो इसलिए दोस्तों शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बनाया है ताकि आपको सारी डिटेल्स समझ में आ सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।